पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक है युद्ध यानी कि वॉर। वॉर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लीगल रेगुलेशंस ऑन वॉर, युद्ध का विधिक विनियमन। ये क्वेश्चन इस ऑडियो क्लास के थ्रू आपका कवर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। एंड आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की इस ऑडियो क्लास को ध्यान से सुनना है। इससे बाद आप इस क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं ऑडियो क्लास। तो युद्ध का विधिक विनियम, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है लीगल रेगुलेशंस ऑन वॉर। जब पहले का समय था, प्राचीन काल था, तो युद्ध को एक नॉर्मल काम माना जाता था, कोई इसके पीछे कोई कानून नहीं थे। बाद में धीरे धीरे जब सब राज्य अपने लिए युद्ध का सहारा लेने लगे, तो फिर ये हुआ कि युद्ध के लिए एक लीगल रेगुलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रोशियस, एक आप नाम नोट कर लीजिए, ग्रोशियस, इन्होंने कहा कि न्यायोचित युद्ध यानी कि जस्ट वॉर की अवधारणा प्रचलित करना बहुत ज़रूरी है। यह तभी होगा जब युद्ध के कुछ नियम होंगे, और नियम का उल्लंघन अगर होगा या बल प्रयोग ज़्यादा होगा, बल का गलत तरीके से प्रयोग होगा, किसी के दूसरे का उल्लंघन होगा अधिकारों का, तो फिर वो न्यायोचित युद्ध नहीं माना जाएगा, बल्कि अन्यायोचित युद्ध, जस्ट एंड अनजस्ट वॉर माना जाएगा। उचित और अनुचित युद्ध के बीच का जो अंतर है ना, वही लीगल रेगुलेशंस होते हैं किसी भी वॉर के। तो वॉर को कैसे उचित बताया जा सकता है, कैसे अनुचित बताया जा सकता है, इसके पीछे क्या लीगल टर्म्स हैं। अब एक सेकंड नाम आप नोट कर लीजिए, वुल्जे। वुल्जे का कहना था कि युद्ध बल का प्रयोग अच्छे को प्राप्त करने तथा गलत को रोकने के लिए किया जाता है। जब भी हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो किसी अच्छे काम के लिए करें, किसी गलत काम को रोकने के लिए करें, तो वो युद्ध न्यायोचित युद्ध बल कहलाता है, क्योंकि वो न्याय के लिए किया जा रहा है, अन्याय को रोकने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी युद्ध द्वारा किसी को क्षति पहुँच रही है, कुछ अनुचित कार्य हो रहा है, किसी के मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये अन्यायोचित युद्ध है और ये कोई शांतिपूर्ण उपाय नहीं है, इसलिए इसको असफल माना जाता है। ठीक है, तो अब आपको युद्ध में अनुचित और अनुचित युद्ध के बीच क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अभी के समय में। अब वर्तमान समय में केवल आक्रमण कर देने और समाप्त करने के लिए युद्ध को शुरू किया जाता है, तो वो न्यायोचित नहीं हो सकता, उसके पीछे एक विधिक मान्यता होती है। इसके लिए हम चलते हैं हेग सम्मेलन 1907। हेग सम्मेलन 1907 में संविदा ऋणों की वसूली के लिए बल प्रयोग की सीमा यानी कि लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ फोर्स फॉर द रिकवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट्स का सम्मान करते हुए संविदा ऋणों की वसूली के लिए एक विधिक उपचार बनाने के लिए बल दिया गया। मतलब ऐसा बोला गया कि एक ऐसा कोई विधिक उपचार बनाया जाए जिसमें वॉर एंड द लीग ऑफ नेशंस के पूरे सारी चीज़ें प्रसंविदा बनाई जाए। तो फिर युद्ध के को अवैध घोषित करने के लिए क्या क्या शामिल किया जाए उसमें, जब दो देशों के बीच में विवाद हो, और ये जो शामिल किया जाएगा उसमें न्यायिक निर्णय कौन लेगा, मध्यस्थ कौन होगा, क्या क्या किसमें युद्ध का आश्रय कौन लेगा, और शांतिकारी अवधि कितनी होगी, 3 महीने की होगी, 6 महीने की होगी, ये सब डिसाइड करने का फैक्ट था। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विधि बनाई गई, जो कि रूढ़िगत तरीके से नहीं बल्कि सकारात्मक तरीके से होना चाहिए, जिसका उल्लंघन करने पर मानवता के हित के विरुद्ध उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसे मानवता के विरुद्ध अपराध माना जाए, और युद्ध प्रारंभ करने का एक सीमा लगाया जाए कि आपको किस सीमा तक युद्ध शुरू करना है। ठीक है, तो हमने युद्ध की परिभाषा में देखा कि ये कहा गया है कि युद्ध को घोषणा करके ही किया जाता है, चेतावनी दे के की जाती है। एक तो पहला नियम हमने उसी में पढ़ लिया। दूसरा है कि जब हम तीसरे दशक में आए ना, तो कई संधियों में युद्ध की निंदा की गई, जैसे कि एक संधि थी निष्फल पारस्परिक सहायता संधि 1923, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंट ऑफ 1923। इसके आर्टिकल 1 में कहा गया कि आक्रामक युद्ध अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। उद्देशिका में कहा गया कि संधि मुख्य रूप से राष्ट्र संघ के जो प्रसंविदा है उसके अनुच्छेद 10 से 16 तक को लागू करने और शस्त्रों की कटौती, मतलब युद्ध, जब राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य ही था कि कम से कम शस्त्रों का प्रयोग हो, तो हमारा उद्देश्य क्या है, शस्त्रों की कटौती करना है। इसके लिए जेनेवा प्रोटोकॉल 1924 भी अपनाया गया, और इस 23 के बाद 24, फिर उसके बाद अनुच्छेद 11 में ये भी कहा गया कि 1925 की लोकार्णी संधि, उसमें भी ये प्रावधान किया गया। फिर 1928 में पैन अमेरिकी सम्मेलन, छठा पैन अमेरिकी सम्मेलन हुआ। तो आपको ये चार फैक्ट याद रखे हैं, 1923 का पारस्परिक सहायता संधि, 1924 का जेनेवा प्रोटोकॉल, 1925 का लोकार्नो संधि, और 19
28 का छठा पैन अमेरिकी सम्मेलन। ये चारों चीज़ें जो हुई हैं, युद्ध और आक्रमण, मानवता के विरुद्ध जो अपराध हैं उसमें आक्रमण कब अवैध हो जाता है, कब उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, इन सब बारे में बातें की गई, संधियाँ की गई। इसके बाद फाइनली आया युद्ध पर पेरिस समझौता। तो युद्ध की निंदा करने में राज्यों की जो इच्छा होती है संधियों में व्यक्त की गई, और युद्ध परित्याग की बात की गई जनरल ट्रीटी ऑफ पैक्ट ऑफ पेरिस में, जिसे पेरिस समझौता या केलॉग ब्रियॉट समझौता भी कहते हैं। ये हुआ 1928 में, और इसमें कहा गया कि हम युद्ध की निंदा करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंधों में राष्ट्रीय नीति को अपनाए रहना चाहिए, संधि सभी मामले में युद्ध को प्रतिबंधित करती है, युद्ध का आश्रय कुछ मामलों में पेरिस समझौते के बाद भी कानूनी रूप से विधिवत रूप से चलता रहा। अब इसमें हस्ताक्षरकर्ता राज्य थे, गैर हस्ताक्षरकर्ता राज्य थे, राज्यों के विरुद्ध सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया, क्योंकि बेसिकली इसका थीम था आत्मरक्षा। हर किसी को क्या करना है, अपने आत्मरक्षा के लिए सोचना है, सबसे पहला थॉट ये होना चाहिए। तो लीगल रेगुलेशन ऑफ वॉर का सेकंड पॉइंट क्या आ गया, आत्मरक्षा पे बल देना, और इसके लिए आपको ये पांच जो संधियां हैं समझौते हैं इसके बारे में लिखना। आप पेरिस संधि पे हस्ताक्षर करने के बाद कुछ तो फिर युद्ध की भत्सना की गई, जैसे कि 1923 में रियो डी जेनेरियो में जो युद्ध हुआ उसकी बहुत आलोचना की गई, क्योंकि उसमें पेरिस संधि को फॉलो नहीं किया गया। फिर लीमा में 1938 में एक फिर से सम्मेलन हुआ और अमेरिकी सिद्धांतों की घोषणा की गई। अब फाइनली युद्ध के नियम तय करने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन को एंट्री करनी पड़ी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, मित्र देश जो है इतना भयभीत हो गए, इतना डर गए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, और उसके चार्टर के अनुच्छेद में उद्देशिका में ये कहा गया कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग आने वाली पीढ़ी को युद्ध से रक्षा करने के लिए और मानव जाति को दुख से बचाने के लिए दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम क्या करेंगे, युद्ध को रोकेंगे और युद्ध किस किस स्थितियों में किया जाता है वो एक वर्णन करेंगे। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने कुछ चार्टर में इसका वर्णन किया कि अगर सदस्य राष्ट्रों में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का शांतिपूर्वक निपटारा किया जाए, किसी की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा या न्याय को खतरे में ना डाला जाए। इसके बाद उसने ये प्रावधान किया कि अगर शांति भंग होती है, आक्रामक कार्य होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस युद्ध को यूएन जो है वो रोकेगा। कहीं भी सशस्त्र बल का प्रयोग बिना किसी कारण के नहीं करना, चाहे वो वायु हो, समुद्र हो, स्थल सेना हो, किसी भी माध्यम से हो, किसी न किसी तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करता है। सुरक्षा परिषद, अगर ऐसा कोई बाध्यकारी सिचुएशन होगी तो सुरक्षा परिषद उसमें इंटरफेयर करेगा। अब ये सारे प्रावधान तो स्पष्ट कर दिए गए और युद्ध के आश्रय को अब निषिद्ध कर दिया गया और इसको एक कानून का हिस्सा बना दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक हिस्सा बना दिया गया, और उस हिस्से का पॉइंट रखा गया मेन बल प्रयोग। बल प्रयोग शब्द पर ज़्यादा जोर दिया गया कि जहाँ भी बल या शस्त्र का प्रयोग हुआ वहाँ पर शत्रुता या युद्ध वर्ड आ जाएगा, और फिर इसके खिलाफ या तो युद्ध को रोकने के लिए दूसरा युद्ध शुरू किया जाएगा या शांतिपूर्वक निपटारा किया जाएगा। बस सशक्त बल के प्रयोग को रोकना है। कुछ मामलों में हालांकि चार्टर के प्रावधान जो है समय के अनुकूल नहीं थे, कहीं कहीं तो बल की धमकी देकर के युद्ध की घोषणा कर दी गई कमजोर देशों पर। तो फाइनली जो सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा है, बल प्रयोग है, उसको बहुत पहले से ही लोगों ने कहा कि ये तो हम पुराने जमाने से ही मान रहे थे कि हमें आत्मरक्षा करनी है। ग्रोसियस ने भी यही कहा कि आत्मरक्षा हमारा इंपॉर्टेंट काम है और यही अंतर्राष्ट्रीय विधि को भी ध्यान रखना चाहिए बनाते समय। तो फिर समझौता हुआ कि आत्मरक्षा का अधिकार युद्ध का सहारा लेने वालों का पहला अधिकार है और इस पर कोई खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर चार्टर के अनुच्छेद 51 में प्रावधान किया गया कि राज्य को आत्मरक्षा का अधिकार है और अधिकार का प्रयोग वो तभी करेगा जब वो संयुक्त राष्ट्र उसको देखता है कि उसके खिलाफ सशक्त बल का प्रयोग हो रहा है। फिर दूसरा है चार्टर के हस्ताक्षरकर्ताओं के शत्रु। अब क्या हुआ, 107 चार्टर का 107 प्रावधान करता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में चार्टर के पर जिन देशों ने हस्ताक्षर किया है उनके अलग से एक शत्रु हो चुके हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई अवैध नहीं होगी। अगर वो लोग कुछ ऐसा कुछ भी करते हैं तो उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाएगी, और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो भी उत्तरदायी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यह प्रावधान तब तक महत्वपूर्ण था जब तक हस्ताक्षरकर्ताओं के शत्रु राज्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, अब आता आंतरिक अधिकार यानी डोमेस्टिक जुडिशन। तो चार्टर के अनुच्छेद 2 में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो किसी राज्य का अपना इंटरनल मैटर हो,
तो फिर उसको युद्ध में काउंट नहीं किया जाएगा और ये चार्टर को लागू करने के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। इसलिए मामला अगर आंतरिक होगा तो उसमें केल्सन ने भी कहा कि कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। पर स्टोन का मानना है कि यदि राज्य को स्वयं निश्चित करना है, ये राज्य खुद डिसाइड करे कि हमारा इंटरनल मामला है कि नहीं, अगर वो चाहता है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, तो यूएन जो है उसमें इंटरफेयर कर सकता है अगर उसको लगता है उस राष्ट्र को कि हमारे ऊपर खतरा है या हमारी शांति भंग हो रही है। तो अगर वो सदस्य नहीं भी है तो भी वो यूएन से मदद मांग सकता है। फिर आता है आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो व्यक्तियों के अधिकार के रूप में व्यक्तियों को आत्मनिर्णय का अधिकार है, उन्हें ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि चाहे वो उपनिवेश देश ही क्यों हो, उनको आत्मनिर्णय का अधिकार है। तो उपनिवेशवाद के बाद इस घोषणा में कुछ शर्तें भी लागू कर दी गई थी, बस शांतिपूर्वक तरीके से स्वतंत्रता दी जानी है, मेन उद्देश्य ये किया गया। फिर छठा था शत्रु द्वारा जीते गए अधिग्रहित राज्य क्षेत्र की पुनः प्राप्ति के लिए। तो आर्टिकल 2 में ये कहा गया है कि महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प अनुच्छेद में आक्रमण की परिभाषा प्रस्तुत की गई है और कहा गया है कि 1949 में अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा तैयार किए गए राज्यों के अधिकार और कर्तव्य की घोषणा के राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण करने वाला राज्य युद्ध की सहायता से अधिग्रहण कर सकता है, जीते हुए क्षेत्रों को अधिग्रहण कर सकता है अगर उसने युद्ध के द्वारा जीता है तो। अब संयुक्त राष्ट्र के गैर सदस्यों के लिए क्या नियम बनाए गए, तो संयुक्त राष्ट्र के गैर सदस्य ऐसे ढंग से कार्य करने की आशा की गई कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भंग ना करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखें, युद्ध समकार